वहीं ताइवान की बड़ी टेक कंपनी फॉक्सकॉन ने चेन्नई में 706 करोड़ की लागत से आवास बनवाया। इसमें 18,720 विवाहित महिलाओं को चीन की तरह की सुविधा मिलेगी। चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर इलाके में महिला कर्मचारियों के लिए फॉक्सकॉन कंपनी ने आवास बनाया। यह आवास 706 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस विशाल आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। आवासीय परिसर के उद्घाटन के मौके पर कंपनी के चेयरमैन यंग लियू भी मौजूद थे। यंग लियू ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि फॉक्सकॉन के प्रोडक्शन में विवाहित महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। 706 करोड़ की लागत से यह आवासीय परिसर जिसका निर्माण हुआ है, 10 मंजिला आवास में कुल 13 ब्लॉक हैं और इसमें कुल जो कर्मचारी की संख्या है वो 18,720 हो जाती है जो कि यहाँ पर रह सकते हैं। 20 एकड़ में फैले इस आवास को हॉस्टल की तरह ही बनाया गया है। उद्घाटन के मौके पर स्टालिन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन 41,000 कर्मचारियों को रोजगार देता है जिसमें 85% से ज़्यादा यानी कि 35,000 के करीब महिला कर्मचारी हैं। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में महिलाएं पुरुष की बराबर ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में तो अग्रणी भी हैं, खास तौर पर अत्यधिक उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्र में। सीएम ने यह भी कहा कि देश भर में सबसे ज्यादा महिलाएं तमिलनाडु में कार्य करती हैं। 41% महिला कार्यबल के साथ भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। फॉक्सकॉन की कंपनीज में सबसे ज्यादा लोग चीन में काम करते हैं जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में है। फॉक्सकॉन द्वारा बनवाए गए इस आवासीय भवन में 1170 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 4,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक बड़े कोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है। साल 2021 में फॉक्सकॉन में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के वजह से फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। अब अगर हम इस कंपनी की बात करें तो दुनिया की सबसे प्रमुख टेक कंपनी एप्पल के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का काम फॉक्सकॉन करती है। गूगल ने भी फॉक्सकॉन के साथ करार किया। ताइवान की कंपनी है ये, भारत में पिक्सल के प्रोडक्शन के लिए करार हुआ है। तो ये दुनिया की बड़ी टेक कंपनी है और इसी को लेकर के एक बड़ी सुविधा महिलाओं को मिलेगी जो कि इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है।